नमस्कार, मैं आयशी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ KKR न्यूज़ में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सोमवार को गड़ाकोटा नायब तहसीलदार अनिल नरवरिया ने नगर के डेढ़ दर्जन कपड़ा रेडीमेड दुकानदारों की दुकानों पर सील कर कार्यवाही की। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से नगर में मचा हड़कंप। नायब तहसीलदार अनिल नरवरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गड़ाकोटा नगर में कपड़ा दुकान रेडीमेड दुकानदारों द्वारा लगातार लॉकडाउन व कलेक्टर के आदेश की अवहेलना की जा रही है और लोगों द्वारा शिकायत भी मिल रही थी, जिस पर आज कार्यवाही करते हुए लगभग डेढ़ दर्जन दुकानदारों की दुकानों को सील कर दिया गया है, साथ ही उन पर कार्यवाही होती रहेगी। सागर से SN पटेल की रिपोर्ट, KKR न्यूज भोपाल। इनकी दुकानों की सील की गई, क्या कार्रवाई की, क्या क्या शिकायतें आ रही हैं? शिकायतें काफ़ी समय से आ रही थी, काफ़ी सारी समझाइश के बाद ही दुकानदार अपनी दुकान खोल रहे थे। प्रशासन की लगातार अवहेलना, प्रशासन के आदेश की लगातार अवहेलना कर रहे थे। कई बार इनको समझाइश थी लेकिन नहीं मान रहे, तो जवाबी कार्रवाई के रूप में तो लोगों की दुकानें सील कर दी हैं। जो जो भी दुकान है वो खुली हुई मिली, उनको हमने सील किया। कार्रवाई अभी भी चल रही है, लगभग 15 से 16 दुकानों को हम सील कर चुके हैं और आगे भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, एक जो नेमा की आपने दुकान सील की, उसको फिर क्या वृद्ध कार्यवाही? फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की सारी सुर्खियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।